मोदी वॉशिंग पाउडर, उससे चाहे जितना भी आप हत्या किए हो, लूट किए हो, भ्रष्टाचार किए हो, कितने भी करप्शन चार्जेस आपके ऊपर हो, सारा का सारा दाग आपका, वो गारंटी है उसकी कि वो धुल देगा मोदी वॉशिंग पाउडर। तो कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी सरकार जिसके पास ईडी है, सीबीआई है, और वो विधायकों को धमकाते हैं, मिनिस्टर्स को धमकाते हैं, डराते हैं, और उसके बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। जिन लोगों के ऊपर करप्शन के चार्जेस खुद से लगाते हैं, वो जैसे ही इनकी पार्टी में आते हैं वो तुरंत राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं, चाहे मणिपुर हो या मेवात हो। इनका मकसद है समाज में जितनी हिंसा होगी, जितना वायलेंस होगा, जितना लोग बट के रहेंगे, उतना इनको वोट की राजनीति में फायदा हो। मोदी जी जब सत्ता में आए तो एक घटना हुई थी, पहली बार हिंदुस्तान की आजादी के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के 5-4 जजेस ने सामने आके कहा था कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, और उसमें सबसे ज्यादा जोर से बोलने वाले जो थे वो थे हमारे रंजन गोगोई साहब, और वही रंजन गोगोई साहब चले गए बीजेपी में। तब मुझे लगा कि वास्तव में उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, अपने लिए ही कहा था। सम्मानित मंच और उपस्थित साथियों, अभी जब मैं इस प्रोग्राम में आ रहा था तो मैंने देखा कि दिल्ली का जो बिल है वो गृह मंत्री जी पास कर रहे थे। तो जब इंडिया फॉर डेमोक्रेसी पे चर्चा हो रही है तो डेमोक्रेसी की एक हत्या आज ही हुई है पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर एक चुनी हुई सरकार का अधिकार छीनने का काम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेज के फैसले के बाद 239A कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है साफ तौर पे कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार होगी जिसके पास सारे अधिकार होंगे 3 सब्जेक्ट को छोड़ के, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बावजूद एक ऑर्डिनेंस, सिंपल ऑर्डिनेंस के जरिए उस पूरी सर्विसेज की चीज़ों को छीन लिया गया, और आज लोकसभा में पास हो गया है। अब अगली बार 1-2 दिन के अंदर राज्यसभा में भी आएगा। मोदी जी जब सत्ता में आए तो एक घटना हुई थी, पहली बार हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के 5-4 जजेस ने सामने आके कहा था कि डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, और उसमें सबसे ज़्यादा जोर से बोलने वाले जो थे वो थे हमारे रंजन गोगोई साहब, और वही रंजन गोगोई साहब चले गए बीजेपी में। तब मुझे लगा कि वास्तव में उन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज इन डेंजर, अपने लिए ही कहा था, अपने लिए ही कहा था उन्होंने। और फिर देश भर में क्या हो रहा है आपके सामने है, कुछ छुपा नहीं है। बीजेपी रूल्ड स्टेट में क्या हो रहा है आपके सामने है, कुछ छुपा नहीं है। नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश की जा रही है, हर जगह नफरत के बीज बो, हर जगह लोगों को बांटो, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे हिंसा कराओ, चाहे मणिपुर हो या मेवात हो। इनका मकसद है समाज में जितनी हिंसा होगी, जितना वायलेंस होगा, जितना लोग बट के रहेंगे, उतना इनको वोट की राजनीति में फायदा होगा। और डेमोक्रेसी के खत्म करने की बात अगर हम लोग करें, जब से देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, ईडी और सीबीआई दो इनके इतने मजबूत फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसको चाहते हैं उसके ऊपर उसको लगाते हैं और सरकारों को गिराने का काम करते हैं। उत्तराखंड की सरकार इन्होंने गिराई, अरुणाचल प्रदेश की सरकार इन्होंने गिराई, महाराष्ट्र की सरकार इन्होंने गिराई, कर्नाटका की सरकार इन्होंने गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार इन्होंने गिराई, गोवा में सरकार जोड़ तोड़ करके बनाई, और इसके बाद राजस्थान में भी इन्होंने भरपूर कोशिश की सरकार को गिराने की, जिसमें सफल नहीं हो पाए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी सरकार जिसके पास ईडी है, सीबीआई है, और वो विधायकों को धमकाते हैं, मिनिस्टर्स को धमकाते हैं, डराते हैं, और उसके बाद उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। जिन लोगों के ऊपर करप्शन के चार्जेस खुद से लगाते हैं, वो जैसे ही इनकी पार्टी में आते हैं वो तुरंत राजा हरिश्चंद्र हो जाते हैं। 2014 के बाद एक जबरदस्त वॉशिंग पाउडर इस देश के अंदर निकला है जिसका नाम है मोदी वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर। उससे चाहे जितना भी आप
हत्या किए हो, लूट किए हो, भ्रष्टाचार किए हो, कितने भी करप्शन चार्जेस आपके ऊपर हो, सारा का सारा दाग आपका, वो गारंटी है उसकी कि वो धुल देगा मोदी वॉशिंग पाउडर। एक मेरे ख्याल से व्हील वॉशिंग पाउडर था जिसमें उसका टैगलाइन था कि सारे दाग चुटकियों में धुले, तो मोदी जी का वॉशिंग पाउडर है सारे दाग चुटकियों में धुले। और आप देखिए तमिलनाडु में क्या कर रहे हैं, मिनिस्टर्स को पकड़ के सचिवालय से लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, राज्यपाल विधानसभा से उठ के चला जा रहा है, पंजाब में फुल स्टेट है, दिल्ली तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए पंजाब तो फुल स्टेट है, पंजाब में वहां के गवर्नर ने कहा कि असेंबली ने जो बिल पास किया है मैं उसका विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा कि यह सही है कि गलत है, फर्स्ट टाइम हो रहा है हिस्ट्री। तो इस देश में तो कुछ चाहिए ही नहीं, कुछ राज्यपाल हो जाए और देश के प्रधानमंत्री हो जाए, पूरा देश चलाए अपने आप में। और दो लोग ही हैं, एक मोदी जी हैं, दूसरे अमित शाह हैं, दुनिया भर के सबकी जांचें करानी है, सबके पीछे जासूसी छोड़। मैंने तो कहा कि एक फिल्म का गाना था, दो जासूस करें महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, तो ये सबकी जासूसी करना है। पेगासस का भी मामला इनकी सरकार के समय में आया, जाति जनगणना का सवाल उठता है तो ये पीछे भाग जाते हैं। जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, जिसका जिक्र अभी विल्सन साहब कह रहे थे, यूनिवर्सिटीज के अंदर रिजर्वेशन को किस तरीके से मारा जा रहा है, और जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाती है उसका कितना अधिकार किसको मिल रहा है कैसे पता चलेगा। अगर आजादी के 75 साल के बाद भी हम लोग देखते हैं कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के सर पे पेशाब किया जा रहा है, अगर हम आप देखते हैं कि आजादी के 75 साल के बाद भी बुलंदशहर में एक CRPF के जवान को घोड़ी पे बैठ के शादी नहीं करने दिया जाता, अगर हम आजादी के 75 साल के बाद देखते हैं कि एक दलित बच्चा अगर वो गेंद छू लेता है तो उसका अंगूठा गुजरात में काट दिया जाता है, अगर ये जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है तो निश्चित रूप से हम लोगों को जातीय जनगणना की भी जरूरत है। और जो इस देश में OBC का, SC का, ST का अधिकार है उसकी लड़ाई निरंतर जारी रखना भी जरूरी है। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, और डेमोक्रेसी को बचाने की इस लड़ाई में मणिपुर की हिंसा के खिलाफ एक छोटी सी मांग हम लोग कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप कहाँ छिपे हैं, चौकीदार का इंतजार पूरा देश कर रहा है, आइए सदन में बोलिए, कम से कम जवाब दीजिए, और इतने ही गुनाह में मुझे पूरे सत्र के लिए सस्पेंड करके बाहर कर दिया है। तो मैं पार्लियामेंट के बाहर बैठ के लड़ाई लड़ रहा हूँ, हमारे साथी सांसद जो है वो समय समय पर हमारा साथ भी देते हैं, आप सब हम सब मिलकर, और ये इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया फॉर डेमोक्रेसी का जो हमारा संकल्प है, इसको हम लोग 2024 में पूरा करेंगे। और इतने घबराए हुए हैं इंडिया से कि इंडिया बनने के बाद उसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं, सिमी से कर रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, ये इनकी घबराहट का नतीजा है। मैंने तो कहा कि इंडिया के जिस दिन मीटिंग हो रही थी उस दिन मोदी जी ने 38 दलों को बुला लिया, 38 पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें से 26 ऐसे थे जिनके पास कोई MP ही नहीं है। तो मैंने पूछा कौन से दल थे, बोले हम, तुम, क्यों, कहां, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, कामा, फुल स्टॉप, सबको बुला लिया। तो इंडिया के खिलाफ NDA कहीं टिकेगा नहीं, और हम लोग 24 में परिवर्तन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।